नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली होने वाले 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ईस्ट एशिया सम्मेलन रणनीति का वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक का प्रमुख मंच है, जिसकी चीन, अमेरिका और रूस सहित कुल 18 देशों के प्रमुख नेता सदस्य के तौर पर भाग लेते हैं। और इसी समिट में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस समिट में मौजूद सभी देशों के प्रमुख के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर चर्चा की जाएगी और पीएमओ ने इस अनुसार इस समिट में कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी उठाया जाएगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन इंडो पैसिफिक में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है और इसकी स्थापना साल 2005 में ही की गई थी। इस मंच के स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भी शामिल होगा। योगी सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले डबल तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ दे सकती है। ऐसे में वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही बड़ा हुआ महंगाई भत्ता दिवाली से पहले मिल सकता है और बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रस्तावित है। सरकार अभी मूल वेतन के 28% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान कर रही है और 3% महंगाई भत्ता बढ़ने से ये दर 31% हो जाने तक शासन के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार दिवाली से पहले ही बढ़ा हुआ 3% महंगाई भत्ता दे सकती है। अक्टूबर के वेतन के साथ नवम्बर में इसके नकद देने का भी प्रस्ताव है और ऐसे में जुलाई महीने के महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई से ही राज्य कर्मचारियों को मिलेगा और जुलाई से सितंबर तक की धनराशि एडीए के रुपए में या भविष्य निधि खातों और अन्य बचत पत्रों के जरिए दी जाएगी। इस पर सरकार निर्णय लेगी और इसके साथ ही सरकार की तरफ से पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की घोषणा होने की भी उम्मीद है और अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार लाखों पेंशनरों को काफी राहत भी देती हुई नजर आएगी। यूपी में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को योगी सरकार आर्थिक सहायता देगी और इसको लेकर शासन आदेश जारी भी कर दिया गया है। शासन आदेश के मुताबिक कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि जिन लोगों ने कोरोना महामारी से जान गंवाई है उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम के निर्देश पर इसका आदेश जारी कर दिया गया है और ऐसे में अपर मुख्य सचिव राजस्व की तरफ से सभी कमिश्नर और डीएम को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि कैसे ये राहत राशि बांटी जानी है। आपको बता दें कि इस राहत राशि को पाने के लिए क्या करना होगा। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा और यह आवेदन जिलाधिकारी के यहाँ पर जमा होगा। इसके बाद डीएम को एक महीने में इसका निस्तारण करना होगा और आवेदन पत्र के साथ डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया जाएगा। ये जरूरी है कि मृतक के डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मृत्यु हो ये भी लिखा होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव से फोन पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों, कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्षों की बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो को फोन किया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक में मंगलवार को पार्टी के अंदर अनुशासन और एकजुटता बनाए रखने पर भी जोर दिया और कहा कि कांग्रेस में राज्य स्तर के नेताओं के बीच नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता और समन्वय का अभाव दिखता है। पार्टी महासचिव, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की इस बैठक में ये भी
निर्णय लिया गया है कि देश में व्यापक सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से तैयार किए गए नफरत के माहौल के खिलाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए वैचारिक युद्ध छेड़ा जाएगा और भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया है और सोनिया गांधी ने लालू यादव से फोन पर बातचीत भी की है और किस तरह से एकजुटता बनाए रखनी है इस पर भी सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है और देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,451 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कल 588 लोगों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 4,55,653 हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 14,021 लोग ठीक भी हुए हैं और देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,62,661 है। देश में अब तक कोरोना से 3,42,15,653 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 3,35,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल कोरोना की 55,89,124 डोज दी गई, जिसके बाद देश में अब 103 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। तो लगातार देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 13,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 585 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य खराब है, हालांकि चिकित्सकों ने सलाह के बाद वो दिल्ली से पटना आ चुके हैं और ऐसे में बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लालू यादव जेल जाने के बाद अब जमानत पर बाहर हैं और करीब 6 साल बाद वो अपनी पार्टी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार की सरगर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आम चुनाव है। सबसे ज्यादा लोगों की नजरें लालू यादव पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि वो सभा को संबोधित करने से पहले ही बयानों को देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको देखते हुए आपको बता दें करीब 12 बजे के बाद मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के ईदगाह मैदान में आम सभा हो गई। वहीं दोपहर 1:50 पर कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए दरभंगा के झाजरा हाई स्कूल के मैदान में सभा की जाएगी। आपको बता दें कि करीब 3 साल के बाद लालू यादव पटना लौटे हैं और एक बार फिर वो पुराने अंदाज में दिखेंगे। बता दें कि आरजेडी ने तारापुर से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया है। तो ऐसे में एक बार फिर से लालू यादव पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। दो सीटों के उपचुनाव होने हैं, 6 साल बाद प्रचार के लिए मैदान में लालू यादव उतरेंगे, सभा को वो संबोधित भी करेंगे। पंचायत चुनाव के मतगणना के बाद परिणाम में हुए बदलाव से आक्रोशित जनता ने रोड जाम कर दिया। बिगहा ब्लॉक में पांचवें चरण के चुनाव की मतगणना में पहले परिणाम कुमार अमित आनंद के पक्ष में घोषित हुआ था, लेकिन लगभग 3 घंटे के बाद तीसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी पन्ना लाल साह के विजयी घोषित कर दिया गया और इस घोषणा में ये बताया गया है कि रिकाउंटिंग में पन्ना लाल साह 12 मतों से आगे रहे और इस परिणाम में पहली बार विजयी प्रत्याशी का आरोप है कि बड़े राजनीतिक हस्तक्षेप से यह परिणाम बदला गया है, जबकि वाल्मीकि नगर ग्राम पंचायत की जनता अभी भी हमारे साथ है। विजयी होने के बाद हारे हुए प्रत्याशी का कहना है कि हमारे साथ ही नहीं पूरी जनता के साथ छलावा हुआ है, इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो जिसमें सच और झूठ का फैसला हो जाएगा।
बेगूसराय में कारगिल विजय भवन में डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे बेगूसराय जिले में एक विशेष अभियान कोरोना टीकाकरण चलाया गया था और इस अभियान में लगभग 13 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वहीं उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जिन लोगों ने कोरोना का टीका नहीं लिया है वो लोग जरूर कोरोना टीका लगा लें ताकि ऐसी महामारी से बचा जा सके। तो बेगूसराय में कोविड के लिए बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया जहां पर अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया और 13 लाख से ज्यादा लोगों को इस अभियान में टीकाकरण लगाया गया है। हरदोई पहुंचे मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की ओर से महिला सशक्तिकरण के तहत बेटी हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर बयान देते हुए कहा कि प्रियंका उनकी माता और उनके भाई को किसी ने नहीं रोका, वो चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ते रहे, लेकिन प्रियंका को चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार काम करते रहना चाहिए। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन पर मंत्री ने कहा कि गठबंधन किसी का भी हो लेकिन यूपी में दोबारा से ही बीजेपी की सरकार बनेगी। तो हरदोई में मंत्री उपेंद्र तिवारी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने ये बयान दिया, विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और ऐसे में कहा कि किसी का गठबंधन हो या कोई भी कितना काम कर ले लेकिन सत्ता में वापस से 2022 में बीजेपी ही आएगी। आज़ादी के 75वें वर्ष आज के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया है कि जो हमारे देश के वीर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है उन सभी लोगों के सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उन सारी योजनाओं को इस अमृत महोत्सव के अवसर पे जन जन तक पहुंचाना है और उसी परिदृश्य में क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी सपना था, हमारे पूर्वजों का भी सपना था कि स्वच्छता अभियान हो, आज़ादी के आंदोलन के पहले भी यह सपना था। सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और गुणवत्तापूर्वक कार्य को संपन्न कराने के लिए हर संभव कवायद की जा रही है लेकिन बावजूद इसके सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। ताज़ा मामला कानपुर देहात के बीहड़ के इलाके अमराहत का है जहां पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए राजीव गांधी कैनाल पंप परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। बता दें कि अभी इस कैनाल परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ है और यहाँ बनी हुई नहर है अभी से टूटने लगी है। वहीं मजदूर जहां इसमें अनियमितता किए जाने की बात कर रहे हैं वहीं जिले के जिम्मेदार मामले की जांच कराकर बड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये नहर अभी से टूट चुकी है, भ्रष्टाचार की भेंट ये चढ़ चुकी है और कैनल पंप परियोजना थी जिसमें भ्रष्टाचार जमकर किया गया है और अभी इस नहर को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही ये टूटकर तैयार हो चुकी है। इसका इंस्ट्रक्शन मैंने स्वयं भी किया था, उसमें जो कमियां हैं उसके क्रम में माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया है और सीडीओ साहब के द्वारा भी एक टीम गठित की गई है, इसमें हम लोग पूरी जाँच कराएंगे। विलंबित परियोजना है और इसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। मुझे इनके मुंशी दीपू यादव ने मिलवाया था चंद्रशेखर यादव जी से और ये काम चंद्रशेखर यादव जी का है और मेरी जानकारी के हिसाब से पेपर पे तो नहीं पढ़ा, कंपनी का नाम रजत इंफ्रा है। 6 महीने नहीं हुए अभी नहर निर्माण के और टूट गई है, क्या वजह है? जो पिछले कार्य हुए उनको तो मैंने नहीं देखा लेकिन मैं अपने 10 साल के अनुभव से बता सकता हूँ कि जो इसमें मिट्टी का इस्तेमाल हुआ मेरे अनुभव के हिसाब से ये मिट्टी योग्य नहीं है। इसकी शिकायत हम 6 महीने पहले से कर रहे हैं लेकिन उन शिकायत की जांच जो है मुख्यमंत्री पोर्टल जनवाई सुनवाई पोर्टल की उन्हीं अधिकारियों को दे दी जाती है जिन्होंने इसमें कमीशन लेके घोटाला किया है और इसके बाद हम कई बार शिकायत कर चुके हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। मौके पर देखिए पानी बरसने से ही ये नहर सब फट गई है।
अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के गड़ियाल वली गांव में एक 6 साल की मासूम बच्ची गंदे नाले में गिरने से लापता हो गई। वहीं इस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बच्ची का कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं बच्ची से के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी नाले की पुलिया पर चलने से गिर गई थी, जिसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर नाले में बच्ची गिरने से लापता हो गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अब तक बच्ची को नहीं ढूंढा जा सका है। एक बच्ची लगभग 6 साल उसकी उम्र है, कल सुबह 10 बजे के अराउंड से एक नाले पे गिरने का पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। कल से पुलिस और प्रशासन यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लगातार कोशिश जारी है। 10:30 बजे करीब बच्ची टहलने के लिए गई थी, हाथ धो रही थी कल, सो पुलिया पे एक खिसल गई, किसी ने देखा 10 साल के बच्चे ने, वो कूद गया। फिर एक बच्चा आया, उसके बचाने के चक्कर में वो बच्चा को जा रहा था, उसे चक्कर में वो बच्ची चली गई। फिर सूचना मिली, गांव वाले आए, सब कूदे, टीम भी आई, मगर कोई पता नहीं चला छोरी का कहाँ गई। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जातीय समीकरणों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। वहीं इसी के चलते संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ विचार गोष्ठी में शामिल होने बस्ती पहुंचे समाजवादी पार्टी बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आई है, तब से लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान को ताक पर रखकर काम किया जाता है और आज आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आज संविदा पर नियुक्ति हो रही है, जबकि आपको मालूम है कि संविदा में आरक्षण ही नहीं है। इसके आगे मिठाई लाल भारती ने कहा कि संविधान को बचाना है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई है, तब से लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को ताक पर रख काम किया जा रहा है, संविधान को अनदेखा किया जा रहा है। जो संविधान जो लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, बहुत मेहनत का लिखा है, 2 बरस 11 महीने 18 दिन देकर, समय देकर भारत का सुंदर संविधान दिया। संविधान को लागू करने वालों में न तो कांग्रेस ने किया, न बीजेपी ने किया। आज वर्तमान की सरकार में, भाजपा की सरकार में, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 340, आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 और तमाम आर्टिकल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।